अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी इस पर वीडियोस वगैरह बनाई हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ्रेंड्स हैं उनको नहीं पता चल रहा कि आपने दूसरी तीसरी बार या जितनी मर्जी बार लेना है नो डिपॉजिट बोनस $140, तो किस तरीके से लेना है। मैंने उनको बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से लेना है। तो अब उनको जो प्रॉब्लम आती है वो ऐसे है, जैसे ये लेवल अप का बोनस मुझे दिख रहा है, लेवल अप का ऑप्शन बटन मुझे नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें यू आर डिसक्वालीफाइड। तो ये किन वजह से आता है, तो मैंने पहले भी बताया था, चलो मैं अभी भी बता देता हूँ कि फ्रेंड्स जब आप मतलब कि ये एक डिवाइस है, इससे मैंने दूसरी डिवाइस के ऊपर तो ले लिया है नो डिपॉजिट बोनस, लेकिन मैंने इसका कनेक्शन उस दूसरे मोबाइल के ऊपर कर दिया, ठीक है, जिससे मैंने पहले लिया हुआ था, तो उस वजह से होता है ये डिसक्वालीफाई, जो भी डिसक्वालीफाई मतलब कि ये अपना 15 के अंदर अंदर आपसे बोनस जो भी है वापस ले लेते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ होगी, तो ये मैं ओरिजिनल चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें आपके साथ होनी है अगर आप इस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक घर में एक वाईफाई का कनेक्शन चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आप एक दफ़ा एक उस कनेक्शन से एक डिवाइस के ऊपर ले लेते हैं, फिर उसी कनेक्शन के ऊपर दूसरी डिवाइस से लेते हैं, ठीक है। पहले लिया हुआ वो बोनस तो आपको बच जाएगा, लेकिन जो उसी कनेक्शन के ऊपर दूसरी डिवाइस के ऊपर लिया हुआ है, जिस तरह मतलब कि एक डिवाइस से मैंने यह यहाँ पर एक वाईफाई कनेक्शन के साथ ले लिया है इस डिवाइस के ऊपर, ठीक है, जो भी है मेरी डिवाइस, तो अब मैंने दूसरी दफ़ा लेना है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि वो ख़त्म भी ना हो, मुझे उसकी प्रॉफिट वगैरह भी मिले, तो इसको उसको चाहिए कि वो जो कनेक्शन आपने पहले वाईफाई का लगाया था वो उसके साथ कनेक्ट ना करे, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स आप लोग में से ऐसे भी करते होंगे, ख़ास तौर पर देखें आपने थंबनेल देखा इधर आए हैं तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपने उसको बचाना है तो आप ऐसे करें। अब मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, तो इसका नेट मेरा वाईफाई के साथ है या मेरे मोबाइल के ऊपर ही है, ठीक है, इसका डाटा जो भी पैकेजेस वगैरह है। तो अब मैंने जब दूसरे मोबाइल के ऊपर लेना है उसका अलहदा नेट होना चाहिए, ठीक है, उसका नेट पैकेज अलहदा हो या कनेक्शन जो वाईफाई के साथ या विंगल वगैरह के साथ करते हैं आप कनेक्ट, उसको अलहदा करना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेडिंग अलहदा होनी चाहिए, ठीक है। तो सस्ते सस्ते पैकेज होते हैं वो आप लगा सकते हैं आसानी के साथ। जब आपने वेलकम बोनस लेना है $140, तब भी आपने उसका कनेक्शन अलहदा मतलब कि उसकी हर चीज़ अलहदा होनी चाहिए, फिर वो आपको मिलता है और फिर जाकर वो डिसक्वालीफाई नहीं होता। अब तीसरी जो बात है, जब फ्रेंड्स आप लोगों में से एक ही वो अकाउंट होता है फेसबुक का, आप उसको बार बार कनेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, इनका सिस्टम जो है सेव कर लेता है वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सर हमीद साहब हैं और सर उस्मान साहब हैं, लेवल अप मतलब FBS के एजेंट है वो, उसके ऊपर एजेंसी के एजेंट हैं, तो उनसे मैंने बात की है, तो वो सारी की सारी डिटेल मैंने उनसे पूछी है, ठीक है, कि अगर हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने धीमे धीमे मतलब कि दबे अल्फाज में मुझे बता दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे अच्छे तरीके से समझ लिया था कि ये क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है, वो इंडिया में भी ले सकते हैं, पाकिस्तान में भी ले सकते हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में, जहाँ कहीं भी है, ठीक है, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपना डिवाइस कनेक्शन, ठीक है, चेंज करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी आपके जो है डिवाइस, इसको आपने कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो मतलब एक कनेक्शन से आपने ले लिया है, अब सेकंड कनेक्शन आपने लगाना है और सेकंड डिवाइस के ऊपर आपने कनेक्शन लगाना है, उसके बाद आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी फिर ऐसे होगा कि आपको वो बोनस भी मिलेगा, हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपने फेसबुक का कनेक्शन जो भी है वो भी आपने बदल कर लगाना है, ऐसा नहीं कि चेंज करना है, ऐसा नहीं कि फेसबुक वो ही पुरानी वाली हो, ओल्ड फेसबुक हो, आप उसको बार बार यूज़ करें, ठीक है। तो ऐसे ट्वाइस नहीं चलेगी फेसबुक कि आपने पहले एक कनेक्शन लगा दिया, फेसबुक को कनेक्ट कर दिया, फिर दोबारा से फिर वो ही फेसबुक को एक न्यू डिवाइस के ऊपर और न्यू कनेक्शन के ऊपर लगा दिया, इस तरीके से भी आपने ऐसी गलती वगैरह नहीं करनी, ठीक है। तो ये मिस्टेक हैं जिनकी वजह से आपको डिसक्वालीफाई किया जाता है। तो ये जो मैंने किया है, ये मैंने जो तीसरा मेरा अकाउंट था उसमें मैंने किया, और मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या हम एक मोबाइल के ऊपर दो तीन डिवाइसेस वगैरह चला सकते हैं एक कनेक्शन के ऊपर या नहीं, क्योंकि डिवाइस तो मैंने चेंज की थी। तो फिर जब ये मेरा 15 डेज़ के बाद चला गया, 14 डेज़ या 13 डेज़ के बाद, तो यहाँ पर ये 13 डेज़ बताते हैं, तो अलबत्ता ये 15 डेज़ के अंदर अपना जो भी इनकी पास होता है डाटा वगैरह वो कलेक्ट करके आपसे आपका जो भी उनको पता चल जाता है तो फिर वापस ले लेते हैं आपका बोनस वगैरह, तो आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपने वीडियोज़ वगैरह को देख लिया करें, बाद में जो पछताना होता है तो 8-5-7 मिनट की वीडियोज़ देख लें, उससे आपका फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक बंदा अब अपना टाइम ज़ाया कर रहा है तो आप लोगों के लिए कर रहा है कि आप लोगों को पता चल सके, आपका भी वो टाइम ज़ाया ना हो। तो अगर हर लोग ही ऐसे करते रहेंगे तो फिर नहीं आपको पता चलेगा,
फिर आप ऐसे ही करेंगे कि आपका 15 15 डेज़ मतलब वो आपका टाइम ज़ाया होता रहेगा, तो उसके बजाय आप 5 7 मिनट की वीडियोस देख लिया करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी लगी होगी। तो जिन लोगों को जो अभी न्यू हैं वो देख लें प्रीवियस वीडियोस वगैरह, वो अपना जो है बोनस वगैरह लें और उस पर ट्रेडिंग वगैरह के भी मेथड मैंने बताए हैं तो वो करें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।